कौन खेसारी निकल जाते हैं इंडस्ट्री से, जैसे पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, खेसारी लाल यादव भी 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जितना रहना चाहे रह सकते हैं, उनको हटाएगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर ये दोनों जाते हैं तो इनके जगह में आप किसको देखते हैं, कोई नाम आपके जहन में आता है जो इनकी कमी पूरी कर सके? इनकी जगह तो मैं लगता है कि मैं ही पूरा कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल चर्चा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीत संगीत से जुड़ी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता हूं और ऐसे कलाकारों से रूबरू कराता हूं जिनकी पहचान कहीं गुमनाम हो गई है, जबकि वो इतने टैलेंटेड होते हैं, फिर भी एक ऐसे ही शख्स हैं, मैं उन्हें भाई कहता हूँ। वो मेरे रिलेशन में तो कुछ नहीं लगते, लेकिन कुछ दिनों से उनसे ऐसा रिश्ता हो गया है कि उनमें भाई का चेहरा मुझे नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी गायक, बहुत ही सुरीले गायक हैं, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूं, राधा मोहन जी की। इससे पहले भी इनके साथ मैंने चर्चा की थी, अभी इनका छठ का बैक टू बैक सॉन्ग आ रहा है। आइए इनके साथ फिर से जुड़ते हैं। और आज हमारे साथ माँ सरस्वती भी हैं साथ में, क्योंकि बहुत ही अच्छा हारमोनियम के साथ में राधा मोहन जी प्ले करते हैं और गाते हैं, तो आज आप सबका एंटरटेनमेंट के साथ साथ इनसे कुछ रूबरू भी कराएंगे। सबसे पहले आपका सर चर्चा में स्वागत है। नमस्कार कुश जी, और सभी श्रोतागण से यही मेरा प्रार्थना है कि चर्चा न्यूज बहुत अच्छा मतलब न्यूज बनाते हैं, और भैया का मेरे पास आया खबर, कभी आई हमारे पास तो मैं आया हूँ, तो आप सभी को दिल से नमस्कार। और बता दें कि आज हम आपके चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं, इसलिए सोचा कि चलो इंटरव्यू हो जाए। आपका एक गाना आया था कुछ दिनों पहले, भोजपुरी की नंबर वन कही जाने वाली वेव म्यूजिक से सैड सॉन्ग था, वो मुझे बहुत पसंद अभी भी है और तब भी था। अगर वो गाना थोड़ा बहुत आप गुनगुना दें तो मजा आ जाए एक बार। बिल्कुल खुश जी, जरूर गुनगुनाएंगे प्लीज। दर्द दे दिहलो हो, दर्द दे दिहलो हमारी जवानी में, दे दो चुनरी तू प्यार के निशानी में, दे दो चुनरी तू प्यार के निशानी में, दर्द दे दिहलो हमारी जवानी में, दे दो चुनरी तू प्यार के निशानी में, दे दो चुनरी तू प्यार के निशानी में। आहो दिन रात तोहरे में रहला ध्यानवा, तू ही बड़ू जान हमार तू ही परनवा, दिन रात तोहरे में रहला ध्यानवा, तू ही बड़ू जान हमार तू ही परनवा, तोहके भूलब ना, तोहके भूलब ना कबहु जिंदगानी में, दे द चुनरी तू प्यार के निशानी में, दे द चुनरी तू प्यार के निशानी में। ये तो रहा आपका सैड सॉन्ग, लेकिन अभी छठ पर्व आ रहा है, सबसे बड़ा पर्व हम लोगों में माना जाता है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, और आपका छठ सॉन्ग पहले बताइए कहाँ कहाँ से इस साल आ रहा है? कुजी हमारा छठ सॉन्ग सितारा म्यूजिक से 3 आ रहा है, जिसमें 2 रिलीज हो गया है और एक अनिलम फिल्म से आया हुआ है, वो भी मतलब बहुत अच्छा है, डांस वाला है। तो अभी जो रिलीज हो गया है कात, वो कोई सुना दीजिए। रिलीज हुआ है अभी अनिलम फिल्म से, जो आपको मैं सुनाता हूँ, और सितारा म्यूजिक से भी है, तो अनिलम फिल्म का जो आया है मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हमरो के सॉन्ग ले ले चली, हमरो के सॉन्ग ले ले चली, माली ही राजा जी बात छोटी माई के सजल बघाटे ओही जे ओही हे दीनानाथ, छोटी माई के सजल बघाटे ओही जे ओही हे दीनानाथ। आजकल जो गाने आजकल के जो युवा गा रहे हैं, छठ घाट पे सेल्फी, अहा लभर, फलाना ढिकाना, इस टाइप के भी गाने आते हैं, और आप दीनानाथ जी को बुला रहे हैं, कैसे देखते हैं आजकल की जो पीढ़ी छठ को लेके, जैसे कि आपकी इतनी मान्यता है हमारे यहाँ पे, देखिए कई लोग तो अपने पेट में क्या क्या उगा लेते हैं, लेटे रहते हैं, जो हमारी माता बहना है कई दिन से उपवास छोड़ देती हैं, पति के साथ जाना छोड़ देती हैं, सही से कहा जाए तो एकदम शुद्ध तरीके से व्रत रखती हैं, फिर भी भोजपुरी में ऐसे भी गाने आते हैं कि लभर रही है छठी घाट, लभर रही है होगा ये होगा, चुम्मा दिया, फलाना ढिकाना गाने आते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
इसको देखिए, गाने वाले भाई लोग गा रहे हैं, लेकिन ऐसा गाना छठ पूजा में नहीं गाना चाहिए। ये छठ पूजा ऐसा पूजा है कि जो हम लोग मतलब कहीं मतलब जाते हैं चलते हैं तो मैं बहुत हम लोग मतलब बच के चलते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, और हम गलत शब्द निकाल रहे हैं तो ये मतलब सही नहीं, शोभा नहीं देता। कहते हैं कि इस त्योहार में अगर जरा सी त्रुटि हो गई आपसे तो तुरंत छठी मैया आपको वही दे देंगी, फिर वही तुरंत फिर मिल जाता है आपको फल की जगह, फिर पाप मिल जाता है और कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, फिर भी ऐसे गाने आते हैं, इसमें रोक कैसे लगेगी? रोक लगेगी, सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से, ठीक ना। जितने हम लोग कम से कम मतलब बुराइयां को मतलब लाएं, यानी मतलब छोड़े कोशिश करें, जहां गाना है वहां गाएं, मतलब चटपटी जहां है वो अलग बात है, लेकिन इस माहौल में छठ पूजा के माहौल में सिर्फ दीना ना तो छठी मैया की याद करनी चाहिए और अपने पर्वतीय लोगों के सामने रखना चाहिए, यही हमारा मतलब कहने का। चलिए, ये तो मैसेज रहा आप लोगों के लिए जो ऐसे गाने गाते हैं, कई लोग गाते हैं लब रही है ही लिया हो ही लिया, पता नहीं क्या क्या, ठीक है आपकी मर्जी। जो दूसरा छठ सॉन्ग आपका आया है वो जरा थोड़ा सा हो जाए, जो दूसरा वाला है तो हो गया दूसरे फिल्म का, आप दूसरा वाला बता दीजिए थोड़ा सा कौन सा है। ठीक है, आपको एक पारंपरिक सितारा म्यूजिक से मेरा आया है, और आ रहा है, ठीक है, इसमें फीमेल भी है जिसमें आयशा राज गाए हैं, ठीक है, तो मैं मुखड़ा को सुनाता हूँ। कोसी भरे चलाली सिला दे सवा लख के साड़ी भींजे, सवा लख के साड़ी भींजे, कोसी भरे चलाली सिला दे सवा लख के साड़ी भींजे, सवा लख के साड़ी भींजे, भींजा तभिंजे देहूँ साड़ी मोरा, कोसी मोरा नहीं भींजे, कोसी मोरा नहीं भींजे। आपकी भोजपुरी एल्बम में इंडस्ट्री में मुझे लगता है यूट्यूब नहीं था तब से आप स्टार्ट से गाना गा रहे हैं, सीडी जमाने से कैसेट जमाने से गा रहे हैं, अभी और भोजपुरी में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी नए नए कलाकार आ रहे हैं, काफी प्रतिभा, भोजपुरी का नाम भी बहुत ऊंचा जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, आप किसको, अगर पवन खेसारी निकल जाते हैं इंडस्ट्री से, जैसे पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, खेसारी लाल यादव भी 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जितना रहना चाहे रह सकते हैं, उनको हटाएगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर ये दोनों जाते हैं तो इनके जगह में आप किसको देखते हैं, कोई नाम आपके जहन में आता है जो इनकी कमी पूरी कर सके? इनकी जगह तो मैं लगता है कि मैं ही पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, आप कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम उतना हिम्मत रखे हैं कि हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी इस लाइन में 20 साल हो गया लेकिन अभी जगह बना नहीं है, जगह बनेगा तो मैं पूरा कर सकता हूँ और अच्छा से अच्छा मतलब उद्देश्य दे सकता हूँ जनता के बीच, अच्छा से अच्छा सॉन्ग भी दे सकता हूँ। आज आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहली बार आए हैं, यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? हालांकि आज आपके गाने वाने तो नहीं रिकॉर्ड हुए, फिर भी यहाँ का माहौल, क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो एक पॉजिटिव फीलिंग निगेटिव फीलिंग समझ में आ जाती है, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके आपका? खुश जी, देखिए दिल से कर रहा हूँ, जैसे मैं एंट्री किया आपके स्टूडियो में दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा स्टूडियो आपका बना है और माता रानी करे कि आप बढ़िए, और कलाकारों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप आइए चर्चा न्यूज में और सेवा का मौका दीजिए कुछ जी को, बहुत अच्छा मतलब यहाँ का फिनिशिंग देखा और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और आपका नेचर तो है मतलब बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बधाई आपको, छठी मैया पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी और आपका गाना आए, बैक टू बैक आप गाते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनली ये जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं, सबके लिए सदैव खड़े रहते हैं, बस थोड़ा सा हैंड दे दूंगा, ये मेडिकल स्टाफ से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा कुछ बताना उचित नहीं होगा, ये सब के लिए सदैव खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि आपके भाई कुछ दुबे के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, जाते जाते जो चर्चा के परिवार हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने लिए? चर्चा परिवार के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, चर्चा परिवार को आशीर्वाद दीजिए और बहुत अच्छे मतलब इन्होंने इंटरव्यू लेते हैं, ये नहीं कि आली जाली लेते हैं, जो ओरिजिनलिटी होता है वही लेते हैं, तो चर्चा न्यूज को मतलब दिल से धन्यवाद और आप सभी को श्रोतागण के नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा लगा ये इंटरव्यू आपको कमेंट करिए, और राधा मोहन जी की गायकी कैसी लगी, और इनका गाना बैक टू बैक छठारा सितारा म्यूजिक, और कहाँ से आया आपका? सितारा म्यूजिक अनिलम फिल्म, सितारा म्यूजिक से अनिलम फिल्म से, और
आरसीएम से भी आने वाला है, माँ जानकी से भी आने वाला है, वेब से भी खबर आया है। इनके लिए सारी कंपनी के दरवाजे खुले रहते हैं, लोग इनको बुलाते हैं भैया आइए हमारे पास गाइए। सच में सच बात है, ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो कंपनियां कहती हैं भैया आइए कुछ प्रोजेक्ट करके जाइए। तो कैसा लगा इंटरव्यू, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें और बने रहिए अपने चर्चा चैनल के साथ। धन्यवाद।